एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं वेबेस्टो के मर्सिडीज़ एस क्लास के मॉड्यूलर सनरूफ के बारे में। अब सनरूफ जो है हमारी व्हीकल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एक दूसरा जो है ये हमारे व्हीकल के अंदर जो क्लेस्ट्रोफोबिक सिचुएशंस होती हैं उनको भी दूर करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियों में जो है ऊपर का जो पूरा हुड है वो बंद रहता है, लेकिन सनरूफ हम उनको बोलते हैं जहाँ पर ऊपर आपको शीशे देखने को मिलते हैं। अब इनके अंदर भी जो है कुछ अलग अलग वैराइटीज़ आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वेबेस्टो ने मर्सिडीज़ एस क्लास के लिए जो है एक ऐसा मॉड्यूलर सनरूफ बनाया है जो बेसिकली क्या है, बीच से डिवाइडेड है। अब इसके अंदर जो है वो इंडिविजुअल पर्सन कंट्रोल कर सकता है, इंडिविजुअल एज इन कि फ्रंट में आगे जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने फेस के सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हैं, और रियर में जो पैसेंजर बैठे हैं वो अपने फेस के सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड के अंदर भी जो है ना ही सिर्फ आपका मॉड्यूलर ओपन होगा, बट यहाँ पे जो है आप इसको फुली तरीके से वेंटिलेशन के लिए भी और फुली तरीके से ओपन कर सकते हैं सिर्फ 8 सेकंड के अंदर। अब कई व्हीकल के अंदर जो है ये क्या रहता है, किस तरीके से काम करता है कि आपकी व्हीकल अगर मैक्सिमम स्पीड पे है तो आपके जितने भी सनरूफ वगैरह हैं वो अपने आप क्लोज हो जाते हैं। दूसरी बात, उनको जो है आप वेंटिलेशन के लिए भी ऑन नहीं कर सकते, या फिर उससे जो है आपकी व्हीकल की परफॉर्मेंस को हैम्पर होता है। तो वो कुछ तरीके के सिचुएशंस रहते हैं जिसके लिए आपका ईसीयू पहले से ही कमांडेड रहता है और वो जो सिचुएशंस है उसके हिसाब से कंट्रोल करता है। लेकिन ये मॉड्यूलर सिस्टम्स जो हैं बेसिकली क्या करेंगे, ये मॉड्यूलर सिस्टम में क्या हुआ है कि आगे और पीछे दोनों सनरूफ को तो हम पहले इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करने के लिए जो है आपको इसका जो वॉइस असिस्टेंट सिस्टम मर्सिडीज़ का उससे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर पैनल के ऊपर जो आपके सीट्स के ऊपर है उनको आप उनके ऊपर आपको सिर्फ फिंगर स्वाइप करने हैं। तो ये दोनों ही तरीके के सनरूफ जो है इंडिविजुअली कंट्रोल हो सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। दूसरा, 8 सेकंड के अंदर जो ये ओपन हो रहे हैं उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको बहुत क्विकली ओपन कर सकते हैं और क्विकली क्लोज कर सकते हैं। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट तो हमारी व्हीकल के अंदर जो है इस तरीके के सिचुएशंस रहती हैं, या फिर इस तरीके से हमारा ईसीयू कमांडेड रहता है कि एक्सीडेंट अगर होता है तो आपके जितने भी शीशे हैं वो रोल डाउन हो जाते हैं, उसके बाद आपके जितने भी सनरूफ वगैरह की चीज़ें हैं वो क्लोजअप हो जाती हैं, क्योंकि ऊपर से कोई एक्सीडेंट अगर होता है या फिर आपकी व्हीकल टॉपल करती है उस वक्त पे जो है आपका सनरूफ ओपन नहीं होना चाहिए। तो उनको क्विकली ओपन करना और क्विकली क्लोज करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है सनरूफ के लिए, जो मुझे लगता है कि वेबेस्टो के मॉडल डिज़ाइन में एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्ले करेगा एस क्रॉस के अंदर एज एन सेफ्टी एस क्लास के अंदर एज एन सेफ्टी सिस्टम। तो आपको क्या लगता है कि मर्सिडीज एस क्लास के अंदर इंडिविजुअल और मॉड्यूलर कंट्रोल सनरूफ जो है वो इंपॉर्टेंट है, या फिर सिंगल फेज सिस्टम होना चाहिए, और किस तरीके से आप इसको अपनी कार में देखते हैं आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे जो है हम ऐसी छोटी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन अ वीकली बेसिस डालते रहते हैं। इस वीडियो को मेरे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी समझ सके किस तरीके से ये सारी टेक्नोलॉजीज़ काम करती हैं और क्या चल रहा है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इस वीडियो के अंदर देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आपका दिन शुभ।